सर जब मेरे पेरेंट्स जब मतलब कि जो मेरे पापा हैं जब वो एक स्क्वायर हो गए थे तब हमारी मम्मी हमें लेके गई मतलब कि अपने मतलब कि मेरे मामा घर। तो फिर मैं वहाँ जा रही थी वही रास्ते में हमारा और मेरी मम्मी का हाथ छूट गया और फिर ना ही कुछ मम्मी का पता चला ना ही मेरा। और फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे एक अंकल जी मिले फिर उन्होंने अपने घर पे रखा मुझे दो तीन दिन फिर वो सीताप वाली संस्था है मुझे उसमें छोड़ दिया। फिर मैं उसमें रही दो साल फिर वहाँ पे आधार कार्ड बनाने वाले कुछ लोग आए थे फिर उन्होंने मेरा आधार कार्ड बनाया और फिर जब मैंने फिंगर्स लगाई तो उससे पता चला कि मेरा आधार कार्ड पहले से बना हुआ है। फिर हमारी मैम ने हमें बुलाया फिर उसने बताया कि बेटा तुम्हारा घर मिल गया है। फिर उसके बाद मैंने बात करी फिर वो हम हुआ This is the latest, recently developed server board, which is used for making supercomputer. This is one building block of it. It's completely designed in-house within the country, manufactured within the country. जो blind बच्चे होते हैं, उनके लिए पढ़ने में आसानी रहे, क्योंकि उनको ब्रेल तो होती है लिखने के लिए, लेकिन diagrams नहीं थे पहले, तो वो science के subjects नहीं ले पाते थे। क्या लिखा हुआ है ऊपर? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये मेरे लिए लाई है यस सर शाबाश ये हम वर्ल्ड क्लास बना के इंडिया के 10 लाख एम्प्लॉइज के लिए बहुत कम कॉस्ट में देना चाहते हैं कितने समय में सब किया आपने हमने 2018 में हमारा एक्सपीरियंस हुआ 2019 से हमने ये शुरू किया है हमारे 10 लोग के टीम है हमने पूरे के पूरा डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरा सॉफ्टवेयर खुद से बनाया है प्रधानमंत्री मोदी जी नमस्कार डिजिटल भारत सप्ताह अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग गुजरात की प्रदर्शनी में आपका हार्दिक स्वागत है लास्ट वीक हमको अफ्रीका में बुलाया गया तो अफ्रीका में कंट्री जिबूती उनके इंडिपेंडेंस डे के लिए हम लोग 800 ड्रोन लेके गए थे और हमने वहाँ पे परफॉर्म किया दिस इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन माउंट गन एनी पेलोड एंड यस इट कैन वर्क इन स्वाप एंड सर दिस इज अ पर्सनल इक्विपमेंट फॉर आर्म फोर्सेस दिस विल बी अ पर्सनल इक्विपमेंट सो This can go in autonomously inside the house and it can give the complete picture. अब हमारे देशवासी से हम अपने खुद के भाषा में अपनी आवाज़ से पेमेंट कर सकते हैं फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं अब किसी एजेंट के पास जाकर अपना रिचार्ज करने का ज़रूरत नहीं होगा किसी भी फ़ोन से रिचार्ज कर सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट का नाम है एथलेटिक्स फॉर द आत्मनिर्भर एथलीट मैं खुद भी एक एथलीट हूँ मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हूँ और उसी के साथ साथ मैं इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट भी कर चुकी हूँ तो जब मैं खेलने जाती थी मैं देखती थी कि ऐसे बहुत एथलीट है जो थोड़े इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से है जिनको उतने रिसोर्सेज नहीं मिलते जो एक लाइक रिच एथलीट को मिलते हैं तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगते थे कि क्यों वो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो इसलिए मैं ये ऐप बनाई